जम्मू कश्मीर की शिवसेना की इकाई के प्रमुख इन बच्चों ने आकर यहाँ पर श्री राजमाता जी आश्रम में अपने पार्टी के स्थापना दिवस पर हवन किया, यज्ञ किया, राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए एवं शिवसेना की निरंतर तरक्की, उन्नति, विकास के लिए की, यानी समाज सेवा में, धर्म में और सभी उत्तम कार्यों में संलग्न रहे। इस प्रकार के मैं स्वामी राजेश्वरानंद इन सबको शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए आज शिवसेना का स्थापना 57th जो है स्थापना दिवस है। आज हम जम्मू कश्मीर की धर्म नगरी कटरा के अंदर है जहां पर हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस हवन यज्ञ के अंदर जम्मू कश्मीर में पूरे देश में अमन बहाली का, आर्थिक उन्नति का और बेरोजगारी खत्म करने के लिए मां के चरणों के अंदर प्रार्थना की गई है। और इसके साथ ही वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो सपना देखा था जब शिवसेना की स्थापना की थी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक शिवसेना का परचम लहराए, हमारे जो पक्ष प्रमुख हैं माननीय उद्धव बाला साहब ठाकरे इस सपने को लगातार जो है साकार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके साथ ही हमें तमाम शिव सैनिकों को उनके मार्गदर्शन से उनका निर्देश दिए गए हैं कि जनता के बीच में जाके जन मुद्दों पर आवाज बुलंद की जाए, देश के अंदर जो बुराइयां हैं उसको खत्म किया जाए, आपसी भाईचारे के अंदर जो सेन लगाने का काम करते हैं उनको बेनकाब किया जाए। और इसके साथ ही शिवसेना ने आज यहां पर प्रार्थना की है कि बीजेपी जो बार बार जो है ये सवाल पूछती है कि 2024 के अंदर मोदी के सामने कौन चेहरा, मैं उनको जवाब दे दूं कि हमारे पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव साहब ठाकरे की शिवसेना ही इन तमाम सवालों का जवाब साबित होगी।